दोस्तों वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची में ज़ेरे समुंदर एशिया के सबसे बड़े रेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में सहाफियों से आज गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान बताया कि कराची में ज़ेरे समुंदर एशिया के सबसे बड़े रेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। कौम दुआ करे कि ये दरियाफ्त कौम की तकदीर बदल दे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिन पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि अगले 2-3 तो में पाकिस्तानी अवाम को शानदार खुशखबरी सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा था कि कौम को एक बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ऐलान में और गैस का जिक्र भी किया था। कहा था कि अप्रैल तक पाकिस्तान में तेल और गैस के वसी ज़खायर मिल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इशारा भी मुमकिन तौर पर इसी तरफ था। पाकिस्तान की समुद्री हदूद में अमरीकी कंपनी एक्जो मोबाइल गुज़िश्ता कुछ माह से तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में मसरूफ थी। इस हवाले से ज़राए की जानिब से बताया गया, एक्जो मोबाइल की के दौरान गैस और तेल के जखायर की दरियाफ्त की मुस्बत इशारे मिल चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान बहरी अमूर की वजारत खारजा अब्दुल्ला हुसैन हारून ने दावा किया है कि तेल और गैस मुमताज अमरीकी कंपनी एक्जो मोबाइल ने तेल और गैस के बेपना जखायर दरियाफ्त कर चुकी है। मुमकिन जखायर के बारे में इम्कान यही है कि ये हुजम इर्द गिर्द के तेल के जखायर से भी ज्यादा होंगे। इस हवाले से इमरान खान ने बताया कि अगले 3 से 4 माह के अंदर तेल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेल मिलने के बाद को रिफाइन करना है और रिफाइन करने में कुछ महीने लग सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।